हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति। तो इस चैप्टर के हम लोग अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस का आंसर हम कराएंगे वो आपको मैप के माध्यम से कराएंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मैप के माध्यम से समझ में आए। और साथ ही आपको इस वीडियो का, इस चैप्टर का आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, जहां से आप उसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको हम यहाँ पे मैप जो मानचित्र कौशल है, मानचित्र कौशल जो दिया गया है, वो भी आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप मानचित्र कौशल को अच्छे से समझ पाइएगा कि मानचित्र कौशल को देखना कैसे है और कहाँ पर इसका लिंक मिलेगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, उसका आंसर जानते हैं। और आप लोग वीडियो पॉज करके उसे नोट भी करने की कोशिश कीजिएगा, और जहां पे आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। तो सबसे पहले मैप को देखेंगे, तो देखिए आप मैप पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे आपका कर्क रेखा है, इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका कर्क रेखा है। और ये कर्क रेखा जो है वो भारत को बीचों बीच से क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में डिवाइड करता है। तो एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे, यानी दो पार्ट में कर्क रेखा भारत को डिवाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि कौन सा जो राज्य है वो कर्क रेखा उससे होकर गुजरती है। तो फर्स्ट आपका जो आएगा वो गुजरात आएगा, सेकंड में आपका कौन सा आएगा, राजस्थान आएगा। देख पा रहे होंगे ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये आपका राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड में कौन आ जाता है, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद फोर्थ में कौन आएगा, छत्तीसगढ़। फिफ्थ में कौन आएगा, झारखंड। फिर उसके बाद सेवन में कौन, सिक्स में कौन आएगा, तो ये आपका पश्चिम बंगाल। सेवन में कौन आ जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे त्रिपुरा। फिर उसके बाद एट में कौन सा आ जाएगा, मिजोरम। तो इतने जो राज्य हैं वो भारत के, इतने जो राज्य हैं वो कर्क रेखा से होकर के गुजरती हैं। तो अब ऑप्शन में हम देख लेंगे, तो ऑप्शन में आपका उड़ीसा नहीं था। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ख, यानी ऑप्शन बी कह सकते हैं, उड़ीसा। बाकी जो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, ये सभी आपका, ये सभी जो राज्य है इनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा, और साथ में आपको ये भी याद हो गया होगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य है जो कर्क रेखा से होकर के गुजरती है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो चलिए क्वेश्चंस का ऑप्शंस पहले यहाँ पे देख लें। ऑप्शंस दिए गए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, इसका मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे ये मिनट को संकेत करता है। अगर यहाँ पे डबल डैश दिया हुआ होता या डबल कॉमा दिया हुआ होता तो आप इसको कहेंगे सेकेंड में है, क्या है, सेकेंड में। तो ध्यान रखना है यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, पू का मतलब यहाँ पे पूर्व की बात किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी देशांतर की बात किया है तो यहाँ पे पूर्वी ही पूछा जाएगा। सेकंड में आपको दिया 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, ग में दिया है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, और घ में दिया है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो चलिए हम मैप देखते हैं। तो ये आपके सामने एक मैप आता है जो आपका इंडिया का है, और इंडिया में पूछा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर। तो आप सभी को पता होगा कि ये वाला जो लाइनिंग होता है, ठीक है, ये वाला जो लाइनिंग होता है उसको हम लोग अक्षांश करते हैं, और जो खाड़ा वाला पाई होता है इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं इसको, देशांतर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व कौन सा है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए उत्तर ऊपर की ओर होता है, दक्षिण नीचे की ओर होता है, और इधर पश्चिम होता है, और पूर्व इधर होता है। जब इतने चीज आप समझ पाएंगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, तो आप देख पाएंगे कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, यही आपका भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है, और लास्ट में जाकर के इस बिंदु पर आएगा, ठीक है। और अगर आपसे पश्चिमी देशांतर पूछ ले तो आप बताएंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट है। अगर आपसे कोई उत्तरी पूछ ले तो उत्तरी में आप क्या बताएंगे, 37 डिग्री 6 मिनट।
फिर आप उसी तरीके से दक्षिणी क्या बताएंगे, तो 8 degree 4 minutes। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए फर्स्ट, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे प्रदेश कर लेंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो चलिए अब हम सबसे पहले मैप आपको दिखाते हैं। ये आपके पास एक मैप है जिसमें आपको उत्तराखंड की बात किया गया है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात किया गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, फिर उसके बाद बिहार की बात किया गया है, फिर उसके बाद सिक्किम की बात किया गया है, ठीक है। तो ये आपके राज्य यहाँ पे दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनकी जो सीमाएं हैं किसके साथ लगती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये आपका नेपाल के साथ लग रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये आपका नेपाल है और ऑप्शंस में भी नेपाल है, तो आप यहाँ पे कौन से टिक करेंगे, नेपाल को। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी के छुट्टी में यदि आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं, कवरत्ती क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कवरत्ती है क्या। तो कवरत्ती एक राज्य की राजधानी है, क्या है, एक राज्य की राजधानी है, या आप कह सकते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो किसकी है, अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये लक्षद्वीप का है, किसकी है, लक्षद्वीप का है। तो आपसे जब पूछा गया है कि जो कवरत्ती है वहां आप जाना चाहेंगे तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो वो आपका ऑप्शन ख हो जाएगा, लक्षद्वीप। अब कवरत्ती में क्या है थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता दें, तो यहाँ पे बहुत सारे लैगून झील पाए जाते हैं, क्या है, बहुत सारे लैगून झील हैं, यहाँ पे घूमने पर्यटन के लिए बहुत सुविधा है और गर्मी में खास करके यहाँ पे आप जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे समुद्र वगैरह की आप जो सैर है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। तो सबसे पहले आपको भारत का मैप देखना होगा कि भारत का मैप में कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो भारत के पड़ोसी देश है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अफगानिस्तान भारत का क्या है, पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, चीन की बात करें तो भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। उसी तरीके से इधर आप म्यांमार में आएंगे तो ये भी है, साथ में आपका भूटान भी है, वो आपका भारत का पड़ोसी देश है। अब ऑप्शंस में देखेंगे तो भूटान भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है आपका बांग्लादेश इस जगह पे, तो बांग्लादेश भी आपका भारत का क्या है, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश है। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल भी आपका पड़ोसी देश है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ख तजिकिस्तान, तो ऑप्शन आपका ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, तजिकिस्तान ऐसा जो कंट्री है जिसका सीमा भारत से नहीं लगता, तो ऑप्शन ख यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको संक्षेप में देना है यानी ब्रीफली देना है। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए, दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हमने आपको बता रखा है कि लक्षद्वीप का जो राजधानी है वो आपका कवरत्ती है, ठीक उसी प्रकार से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कौन सी है, ठीक है, फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में टाइप कीजिए, आपको याद भी रहेगा और यहाँ पे इसका आंसर भी निकल करके आएगा। तो आपने देखा कि अरब सागर में कौन कौन सी है, एक आपका लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सा है, तो एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब पूछा है कि दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो पड़ोसी देश है यहाँ पे वो आपका श्रीलंका है, फिर उसके बाद आपका मालदीव है। अब यहाँ पे मैप में देखेंगे तो ये आपका अरब सागर है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन सी है, तो ये लक्षद्वीप है और यहाँ पे कौन सी है,
तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत में है और भारत के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पे पूछा गया कि दक्षिण में हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो एक तो आप यहाँ पे देख पाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैप हमने छोटा लिया है, तो इस जगह पे आपका है श्रीलंका, कौन सी है श्रीलंका, और इसी के नीचे जब आप जाएंगे तो आपको एक मालदीव मिलेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे मैप छोटा लिया है जिसके वजह से आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें पूछा गया है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा विश्व में स्थान रखता है, तो ये भारत विश्व में सातवां स्थान रखता है। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये सातवां है। तो फर्स्ट स्थान कौन रखता है, रूस रखता है, उसके बाद सेकेंड में कनाडा, थर्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद चीन रखता है, फिर उसके बाद ब्राजील, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद फिर सातवें नंबर पे अपना कौन सा आता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे भारत। ठीक है, जिसमें अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, देखिए यहाँ पे लाख वर्ग किलोमीटर आपके बुक का ही है, हमने यहाँ पे बुक का स्लाइड ही आपको लगा करके दिखाया है कि देखिए सबसे फर्स्ट में कितना है रूस का 17.09, अगर भारत की बात करें तो 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो चलिए हमने यहाँ पे लिखा है, आपको बारी बारी से दिखा देते हैं, देख पाएंगे आप यहाँ पे। उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश में बात करें तो ये आपका पाकिस्तान है, हम आपको मैप पर भी इसे दिखाएंगे, उसके बाद अफगानिस्तान है। उत्तर पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल, भूटान, चीन है, और फिर लास्ट में आपका उत्तर पूर्वी जो पड़ोसी देश बचता है वो आपका म्यांमार और बांग्लादेश है। अब चलिए मैप पे आपको दिखाते हैं, देखेंगे उत्तर पश्चिमी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर ऊपर की ओर होता है, इसके बाद इधर क्या होता है पश्चिम होता है, ठीक है, इधर क्या होता है पश्चिम होता है, और इधर क्या होता है पूर्व होता है, और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो सबसे पहले उत्तर पश्चिमी की बात किया है, तब उत्तर पश्चिमी कौन सी होगा, तो ये वाला क्षेत्र होगा उत्तर पश्चिमी। ठीक है, अब उत्तर पश्चिमी में आप देख पाएंगे इधर आपका पाकिस्तान और इधर आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, अगर हम उत्तरी पड़ोसी देश की बात करें तो उत्तरी पड़ोसी देश में आप देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये आपका नेपाल है, फिर यहाँ पे आपका भूटान है, और यहाँ पे आपका चीन या तिब्बत है। ठीक है, तो ये तीनों को आप अच्छे से देख पाएंगे। अब उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश की बात किया है, तब उत्तर कहाँ होगा ये वाला, अब पूर्वी कौन सा होगा ये वाला, तो उत्तर पूर्वी में कौन कौन से, तो आप यहाँ पे देखिएगा उत्तर पूर्वी में एक तो आपका इस जगह पे देख पा रहे होंगे बांग्लादेश, ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे म्यांमार। तो ये आपका दो कंट्री है जो उत्तर पूर्वी में पड़ोसी देश के रूप में है। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर मैप पे भी आप याद कर सकते हैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी और आपको याद भी रहेगा मैप के माध्यम से। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम लिखिए। तो हमने ऊपर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता रखा था, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, कितने 8 राज्यों से होकर के, फर्स्ट आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब यहाँ पे मैप में देख लेंगे तो फटाफट से वही चीजें जो हमने आपको ऊपर समझाया था आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो हम यहाँ पे टाइम आपका बचाते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे के क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, ऐसा क्यों होता है स्पष्ट कीजिए। अच्छा से आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की बात किया है और गुजरात के पश्चिमी भाग, गुजरात के पश्चिमी भाग की बात करें तो यहाँ पे आपको कच्छ एक जगह है जहां आपको देखने को मिलेगा कच्छ। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्योदय 2 घंटा पहले क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको हम बताते हैं कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, ठीक है, उस समय गुजरात में अंधेरा रहता है, कहाँ रहता है गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है सूर्योदय होता है,
तो गुजरात में अंधेरा रहता है, वहां 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण है, यानी 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार का अंतर है जिसके वजह से ये 2 घंटा क्या होता है लेट दिखाई गुजरात में देता है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। ठीक है, और 1 डिग्री में कितना घूमेगी तो ये 4 मिनट। ठीक है, और इस प्रकार से अगर 30 डिग्री देशांतर की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा 120 मिनट, और जब 120 मिनट को कन्वर्ट करेंगे घंटा में तो ये 2 घंटा होगा। तो आपने देखा कि देशांतरीय 30 डिग्री जो देशांतरीय विस्तार है इसी के कारण क्या होता है गुजरात में 2 घंटा बाद सूर्योदय होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है। ठीक है, और इसका एक और भी रीजन है, आप ये देख पाएंगे कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर मान ले कि इस तरीके से उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण पश्चिम और इधर पूर्व है, तो जो पृथ्वी है वो कहां से घूमती है पश्चिम से घूमना स्टार्ट करती है, इधर से घूमना स्टार्ट करती है। तो जब इधर से घूमना स्टार्ट करेगी तो आप देख पाएंगे सबसे पहले इसको कौन सा जगह दिखाई देगा, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन सी है पूर्वी राज्य है, कौन सी है पूर्वी राज्य है, जबकि अगर गुजरात की बात करें तो ये आपका पश्चिमी राज्य है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि गुजरात में क्या होता है पहले गुजरात में 2 घंटा बाद सूर्योदय होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले हो जाता है। फिर आगे बात करें तो इसी में लिखा है कि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय इसलिए दर्शाती है क्योंकि 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा को भारत की मानक यम्योत्तर या भारत की बीचों बीच के जो गुजरने वाली लाइन है उसको माना गया है, और इसी के वजह से दोनों जगह पे टाइम सेम जगह, दोनों जगह क्या पूरा भारत में समय एक ही घड़ी में, मतलब सारे घड़ी में एक ही समय दिखाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा 3 कि ऐसा क्यों होता है अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, जिसमें पूछा गया है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पहले मैप देख लेते हैं हिंद महासागर में। ठीक है, ये देखिए आपका मैप है, ठीक है, भारत, और इस जगह पे आपका है हिंद महासागर, देख पा रहे होंगे, और ये आपका बीच में है कौन सा भारत। अब यहाँ पे लाभ कैसे प्राप्त हुआ तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो आपका गहरा लाइन है जो सीधा सीधा लाइन ये आपको दिखने को मिल रहा है, ये आपका कौन सा लाइन है वायुयान मार्ग, यानी हवाई जहाज का जो मार्ग है वो है। फिर यहाँ पे डॉट लाइन से जो दिखाया गया है ये समुद्री मार्ग है। तो दोनों तरीके से यानी व्यापार करने में वायुयान मार्ग और साथ में जल मार्ग यानी समुद्र मार्ग कह सकते हैं, दोनों भारत से होकर के गुजरता है, जिससे भारत को क्या होता है भारत की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, भारत सारे देशों के साथ अपना कनेक्टिविटी को बढ़ा पाता है, और इस वजह से भारत को व्यापार के क्षेत्र में साथ ही सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में और भी यहाँ पे जैसे आदान प्रदान वस्तुओं को करना है तो इन सभी क्षेत्रों में इसे लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे शब्दों में हमने कैसे लिखा है, तो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय जो स्थिति है उसके कारण वाणिज्य एवं व्यापार के मार्ग में अनुकूल स्थिति बनी हुई है। अनुकूल स्थिति कहने का मतलब बहुत अच्छा साधन बना हुआ है, कौन कौन से क्षेत्र में वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में। ठीक है, पूर्व एवं पश्चिम को जोड़ने वाली समुद्री मार्ग एवं वायु मार्ग हिंद महासागर एवं भारतीय उपमहाद्वीप से होकर गुजरते हैं, साथ ही भारत पश्चिम एशिया अफ्रीका यूरोप तथा पूर्वी एशिया के देशों ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध बनाए हुए हैं। तो किसके वजह से, तो ये आपका हिंद महासागर के वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ से सभी गुजरते हैं भारत से होकर के। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका क्वेश्चन आता है मानचित्र कौशल, तो देखिए मानचित्र कौशल के लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से कर पाएंगे। जो भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप उससे कर पाएंगे जो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे।
तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताइए, तभी हम आगे के चैप्टर्स का, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि और भी जो वीडियो चाहिए वो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए या पूरा लेसन का चाहिए, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।